नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। देखिए, हम लोग का 3 दिन का मेहनत कामयाब हो गया। अभी अभी CSVC के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया कि आपका पेपर रद्द हो गया। 1 तारीख का पेपर रद्द और 7 और 15 वाले पेपर को स्थगित कर दिया गया। यानी तीनों पेपर अब रद्द हो गया। मेरे भाई, मेहनत आप लोग का काम आ गया। आपको मालूम होना चाहिए कि हम दिन रात इस पर मेहनत किए, सभी लोगों को साथ दिए, सभी लोग साथ मिलकर मेहनत किए, जिसका परिणाम आज मिल गया कि पेपर रद्द हो गया। अब ये सोच लीजिए कि पेपर रद्द हो गया तो इसका बेनिफिट कैसे उठाना है। हम पूरे नोटिस को पढ़कर सुनाए हैं कि पेपर रद्द में क्या क्या लिखा गया। लेकिन उससे पहले मेरे भाई, मेरा बात सुन लीजिए, अगर पेपर रद्द हुआ है तो इसका फायदा उठाना है तो उठाना है। फायदा कैसे उठेगा? जिस तरह से मेरा क्लास चलता था वैसे ही फिर से क्लास हम लोग चलाएंगे, जिसका लिंक टेलीग्राम का कमेंट में दे चुके हैं। और नए साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बिहार पुलिस का सबसे अलग अंदाज में फ्री क्लास फिर से तैयारी करेंगे अच्छे ढंग से। ठीक, अब हम आपको नोटिस पढ़ के एक एक चीज़ को सुनाने वाले हैं, इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा। क्या CSVC के द्वारा नोटिस आया है पेपर रद्द के बारे में, उसे इत्मीनान से एक बार अच्छे ढंग से सुनिएगा। देखिए, लिखा है कार्यालय आदेश, केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती बिहार पटना, विज्ञापन संख्या 1/2023। ये सब छोड़िए, मुख्य बात जो है वो देखिए क्या लिखा है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही द्वारा भर्ती द्वारा बिहार पुलिस एवं अन्य इकाइयों में सिपाही के पद पर चयन हेतु विज्ञापन संख्या 01/2023 से संबंधित लिखित परीक्षा 1/10/2023 को दोनों पालियों को में संपन्न हुई थी। विविध हो कि दिनांक 1/10/2023 यानी रविवार को उक्त दिनों पालियों की लिखित परीक्षा में काफ़ी संख्या में नकल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एवं चीट पुर्जे के साथ राज्य के विभिन्न जिलों में अभ्यर्थियों गिरफ्तार हुए। इनके अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि परीक्षा के प्रश्नों को तथाकथित उत्तर साधे पन्ने पर सीरियल नंबर के सामने लिखकर मोबाइल, मतलब एक वाला तो पेपर रद्द हो गया। अब सुनिए कि आगे क्या लिखा है। उपरोक्त वर्णित कथनों के आलोक में पर्षद के वेबसाइट पर दे दिया गया है, CSVC के वेबसाइट पर आ गया है। क्या आया है कि 1/10/2023 के हुई दोनों पालियों की लिखित परीक्षा रद्द की जाती है। बहुत खुशी की बात है, हम लोग कितना मेहनत किए थे मालूम होना चाहिए। बड़े बड़े यूट्यूबर भी डर रहे थे वीडियो बनाने में कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, लेकिन जिस दिन पेपर लीक हुआ उसी दिन शाम को लाइव भी आए थे, वीडियो बनाए, उस दिन से लगातार लगे हैं। जो हो जाए, पेपर रद्द होना है तो होना है, गलत हुआ है तो हुआ है, वही हुआ आपके साथ। अब आगे देखिए क्या है। इसके साथ साथ दिनांक 7/10/2023 शनिवार को निर्धारित तृतीय और चतुर्थ पालियों तथा दिनांक 15/10/2023 को रविवार को निर्धारित पंचम एवं छठम पालियों की लिखित परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। सभी पालियों प्रथम से षष्ठम पाली तक की लिखित परीक्षाएं की नई तिथि एवं समय के संबंध में अलग से सूचना पर्षद के वेबसाइट पर एवं समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। मेरे भाई, पेपर रद्द हुआ है, एकदम मजे में रहिए। आप 1-2 दिन अभी आराम कीजिए, आज और कल एकदम आराम से रहिए। फिर परसों से जो पैटर्न पर पूछा है उसी पैटर्न पर सबसे अलग अंदाज में तैयारी करना है। टॉपर्स एकेडमी बिहार चैनल के साथ आप मेरे साथ बने रहिए। उतने कम समय में जैसे तैयारी कराए थे, फिर आपको मिल गया 40 से 45 दिन। एकदम निफिक्र रहिए, एकदम मजे में। इस बार पेपर नहीं लीक होगा, एकदम मजा से रहना है। फिर अब देखिए अगला क्या है। अगला नोटिस आपको पढ़कर सुनाते हैं, एक न्यूज़पेपर है, वो न्यूज़पेपर में क्या लिखा गया है। अब न्यूज़पेपर देखिए, एक मिनट बना रहिए। देखिए, पटना के दैनिक भास्कर का जो आपके सामने न्यूज़पेपर दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है ब्रेकिंग, बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द, केंद्रीय चयन पर्षद ने लिया फैसला,
7 और 15 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा भी कैंसिल कर दिया। देखिए सब कुछ रद्द हो चुका है, ये आप सबका मेहनत है। अगर आप सब इतने वीडियो को शेयर नहीं किए होते, आप सब अगर इतना मेहनत नहीं किए होते तो हम लोग के अंदर भी इतना हौसला नहीं आता। लेकिन हम बोले थे कि भले देखने में छोटे यूट्यूबर हम लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बड़े से भी बड़ा धमाका कर सकते हैं। पेपर कैंसिल हुआ तो हुआ, इसमें बहुत से टीचरों का साथ मिला, बहुत से लोगों का साथ मिला, नेशनल लेवल पर न्यूज भी चलने लगा, आपको इंडिया टीवी चलाने लगा, अंकित अवस्थी चलाने लगे, उसके बाद अलग अलग न्यूज चैनल, न्यूज नेशन, लाइव सिटीज, बिहार तक हर जगह जब चलने लगा तो पेपर कैंसिल होना है। सत्यमेव जयते हमेशा सत्य की जीत होती है, इसलिए सत्य की जीत हुई थी, पेपर के साथ गलत हुआ था, पेपर लीक हुआ था, तो पेपर आउट होना है तो होना है। अब अगले वीडियो में हम लोग आपसे मिलेंगे किस तरह से कि किस स्ट्रेटेजी के साथ अब हम लोग को तैयारी करना है और कैसे करना है, जो प्रश्न का लेवल पूछा है उसी आधार पर चलना है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, थोड़ा सा और पढ़ के आपको सुनाते हैं। लिखा है केंद्रीय चयन परिषद ने 1 अक्टूबर का हुए बिहार पुलिस के सिपाही बहाली में पेपर पढ़ रहे हैं अभी का परीक्षा को कैंसिल कर दिया। इस बारे में परिषद के तरफ से आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया गया है। दोनों पालियों की परीक्षा कैंसिल की गई। 7 और 15 अक्टूबर को जो परीक्षा होने वाली थी उससे भी अगले आदेश तक कैंसिल कर दिया गया। इस भर्ती के जरिए बिहार में 1391 नए जवानों को भर्ती की जानी है, इसलिए आप लोग निफिक्र रहिए, एकदम कैंसिल हो चुका है, किसी भी तरह का अफवाह में नहीं पड़ना है। एकदम जो कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए हैं वहाँ आप जुड़ जाइए, सब कुछ ऑफिशियली न्यूज वहाँ मिलते रहेगा। बिहार पुलिस का अच्छा अच्छा फ्री में आपको मटेरियल भी मिलते रहेगा। एकदम पढ़ते रहना है मेरे भाई एवं बहनों, एकदम मेरे साथ बने रहिए और ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रहिए। रिजल्ट इस बार बोला गया है कि आपको वर्दी दिलाया जाएगा तो दिलाया जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें पेपर कैंसिल के पीछे क्या है, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना ट्वीट किया, हर जगह सोशल मीडिया पर क्या छाया था, बिहार पुलिस का पेपर लीक, पेपर लीक। इसीलिए हमेशा बोला गया है कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। ये आपकी जीत है, मेरी जीत है, पूरी छात्रों की जीत है, ये नहीं है किसी व्यक्ति विशेष की जीत नहीं हुई है, ये गरीब छात्रों की जीत हुई है, किसान मजदूर के बेटे की जीत हुई है, ये किसी अमीर की जीत नहीं है। जितने लोग पैसे दिए थे वो समझ चुके हैं कि क्या हुआ मेरे साथ, इसलिए आप लोग से हाथ जोड़कर हम शुरू में भी रिक्वेस्ट किए थे, कहीं पर पैसा मत दीजिएगा। जो 1-2 लाख देकर अगर सेटिंग कराया होगा आज उसके ऊपर क्या बीतता होगा, आप सोच सकते होंगे कि जतियो जाए गई करी, जतियो गई पैसों गई। ये बात हम 50 बार हर वीडियो में बोले थे कि अगर सेटिंग कराइएगा तो जतियो जाएगा, इज्जतियो जाएगा, पैसों नहीं मिलेगा, अब कुछ नहीं होगा, नौकरियों नहीं मिला। इसलिए आप सभी मेरे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ये बहुत ज़्यादा बड़ा अपडेट था इसलिए चाहे कि तुरंत आपको दे दें। फिर मेरे भाई मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब अपडेट वहाँ से देते रहेंगे। आज के वीडियो के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत